तक जैसे भी जो भी एनालिसिस मैं कर रहा था व्यक्तिगत किसी पे नहीं है, और इतने इतने आप किया वो देखते उसके सर की तरफ आते और उसके बाद वो परेशानी देखना बंद कर नमस्कार मित्रों, और मैं आपको बता दूं कुछ पहले कि ये वीडियो पर्टिकुलर किसी अभी तक जैसे भी जो भी एनालिसिस मैं कर रहा था व्यक्तिगत किसी पे नहीं है, और ना ही इसमें इस एनालिसिस में किसी भी चैनल ओनर की कोई या किसी के वीडियोस की कोई कमी नहीं बताई जाएगी। ये वीडियोस जो मैं ये अपना एनालिसिस कर रहा हूँ उस बच्ची पर कुछ मेरा एनालिसिस है, जो कि सागर भाई जिस बच्ची से मिलने गए थे और उसके बाल वगैरह जो है कोई खींच रहा है, और मतलब बाल वगैरह जो है काट रहा है उसके बाल, तो उसके साथ मतलब क्या परेशानी है क्या नहीं है, तो इस विषय पर ये मेरा अपना तर्क है। और एक बात और बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर इसे मानो ये कुछ भी मानो कि पर्टिकुलर जैसा कि हर एनालिसिस होता वो उस तरीके का ये एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ मैं अपने जरिए से मतलब एक कुछ अपना तर्क रख रहा हूँ, शायद उस बच्ची को आराम मिलने के विषय में क्या हो सकता है उसके साथ क्या हो रहा होगा, उन बातों को थोड़ा सा रखूंगा। इस पे किसी भी टाइप का आप लोग मतलब इसको निगेटिविटी मत लीजिएगा, क्योंकि कुछ पॉइंट मेरे अपने जो मैंने समझे, हो सकता है ऐसा कुछ हो या कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा हो सकता है उसे करने से उसको लाभ मिल सके, आराम मिल सके, उसकी फैमिली जो है मतलब खुशहाल हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या हो रहा होगा उस लड़की के साथ, उस छोटी सी बच्ची के साथ। और ये एक चीज़ और बता दूँ, सागर भाई का ये कदम मुझे अच्छा लगा कि ये चीज अगर वो छोटी बच्ची है वहाँ पर वो जा रहे हैं और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व मतलब शॉर्ट आउट कर रहे हैं या सॉल्व करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इंसान को कभी कभी अन्य विषय छोड़ करके भी, अपने बाकी विषयों को छोड़ करके अगर इस तरीके के विषयों में भी अगर वो रुचि लेता है तो ये एक सराहनीय कदम है। तो इस चीज़ में मैं सागर की प्रशंसा करता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है। मतलब कैसे, जैसे बच्ची बैठी है और बाल गिर रहे, आपने खुद देखा मियां आंखों से देखा, कटते हुए देखा, कैसे कटते हुए, कोई चीज काट रही है ऐसे हमारी तरफ सिर करे, हाँ, तो पीछे से और बाल गिर रहे हैं। बाकी आगे जो एनालिसिस मेरे हैं वो होते रहेंगे, अभी बढ़ते हैं इस एनालिसिस की तरफ कि क्या है इसमें। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, उसके अकॉर्डिंग जो मुझे फील हुआ है कि कुछ मतलब केस इस तरीके के होते हैं जिसमें भाई ये भूत मैं नाम नहीं दूंगा इसे कि भूत वगैरह हो सकता है या कोई पिशाच है या जिन्न है या ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ये मेरे हिसाब से ये मैं जो मैंने अब तक इसको समझा है जाना है, एक रियल लाइफ में भी इस तरीके के मेरे साथ काफ़ी वाक्य हुए जो मैंने देखे हैं, लेकिन इस तरीके का कोई भूत वगैरह वाला मामला नहीं हुआ है। इसमें मेडिकल से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, कोई मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, और ऐसा कुछ जरूर हो सकता है। तो मैं कुछ तर्क यहां पर रखता हूं, और उस तर्क के विषय में आप लोग यार कमेंट जो भी करना हो आप लोग करेंगे ही, लेकिन उसको पहले समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैं अगर कुछ कह रहा हूं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर लॉजिक होगा। देखिए वो बच्ची जो है छोटी सी, उसके साथ ये जो बालों का कटना है, आप लोग गौर करिएगा उस वीडियो को, पूरा फिर से देखिएगा सागर भाई की वीडियो को,
तो शायद बहुत ही कम लोग समझ पाएंगे। एक बारीक सा पॉइंट आपको बताता हूँ कि पहले तो मैं आपको बता दूं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, कि मतलब मेरा कहना है कि वो शायद ये खुद कर रही है ऐसा कुछ है, और ये बालों के साथ अपने छेड़छाड़ करती है या और भी चीजें हैं, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा वो क्या क्या कर सकती है ऐसे सिचुएशंस में। तो वो ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, देखिए आप उस वीडियो को गौर से देखिए कि, और अब तक ये बारीक पॉइंट किसी ने गौर नहीं किया है कि जब सागर भाई मतलब वहां पर उनके माता पिता से कुछ बात कर रहे थे तो वो बच्ची ऊपर से अचानक से बोलती है कि पापा फिर कट गए बाल, या मतलब अपने माँ बाप को बोलती है, माता पिता को बोलती है कि फिर से कट गए मेरे बाल, किसी ने फिर से काट दिए। आज तक कभी स्कूल से शिकायत किसी चीज़ से? तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा कि वो खुद करती है, क्योंकि अब गौर करना बहुत बारीक सा पॉइंट, बहुत देर तक मैंने समझा और सोचा और जाना, फिर ये मेरा अपना तर्क है कि वो बच्ची अगर ऊपर से अचानक से बोल रही है कि पापा फिर से कट गए बाल, तो इतनी छोटी वो बच्ची है ठीक है ना, और जिस हिसाब से जब वो आई है और उसका ब्लड देखिए आप बालों में कि ब्लड वगैरह उसका दिखाई दे रहा, ठीक है आप समझना इतनी छोटी सी बच्ची है, अगर इस तरह से कोई बाल खींचेगा काटेगा ठीक है, या नोचेगा या खींचेगा या बाल उखाड़ लेगा और ब्लड आ जाएगा, तो वो पहले ये शब्द नहीं बोलेगी कि पापा फिर से बाल काट लिए किसी ने, वो सर्वप्रथम कुछ चीखेगी चिल्लाएगी एक कराहेगी रोएगी, लेकिन डायरेक्ट बिना रोए उसने ऊपर से बोला कि पापा फिर कट गए बाल और वो नीचे आ गई। अब समझना ये एक उसको मानसिक उलझन है कोई, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि समझते जाइए इसको आगे कि उसको रोना चाहिए था पहले, इतनी छोटी बच्ची भाई हम और आपके कोई बाल इस तरह से अगर खींचेगा अचानक से नोचेगा तो यार एटलीस्ट हम लोग नहीं भी रोते हैं तो कम से कम चीखेंगे कराहेंगे, वो कराही नहीं बस उलझन सी एक बात करी उसने कि पापा फिर से कट गए बाल और नीचे आई। आज तक कभी स्कूल से शिकायत? आज आज अब ऐसा क्यों हो सकता है उसके लिए मैं रीजन बताता हूँ आपको। देखिए शायद मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि मैं जो जहाँ तक समझता हूँ कि वो परेशान है यार, और किसी चीज उसको प्यार की जरूरत है, बहुत प्रेम की जरूरत है उसको, और शायद उसके माता पिता से मैं निवेदन करूँगा इस चीज़ के लिए कि देखिए हर माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते ही करते हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि बच्चों की नज़र में ऐसा हो जाता है कि शायद मम्मी पापा हमसे कम प्यार कर रहे हैं या फलाने से ज़्यादा कर रहे हैं, छोटे भाई बहन अगर हैं उनसे ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस तरह से अगर कुछ है भी या नहीं भी है तब भी उसे इस सिचुएशंस में प्यार से ट्रीट करें, उससे जानने की कोशिश करें कि बेटा क्या तुमको क्या पसंद है, क्या चाहती हो तुम, और क्या तुमको क्या लगता है, क्या तुम किस तरह से फ्रीडम तुमको चाहिए ठीक है, क्या तुम करना चाहती हो वो करो, तुम खेलना चाहती हो खेलो तुम ठीक है, हो सकता है उसको पढ़ाई से उलझन हो सकता है उसको घर के कामों से उलझन हो, समझते जाइएगा, तो ऐसा कुछ हो सकता है, उसको प्रेम की जरूरत है, और प्रेम की भाषा वो भाषा है जैसे शायद दुनिया के आधे मर्ज ठीक हो सकते हैं, ये मेरा मानना है, उसके बाद तो जो है मेडिकल साइंस है ही हम लोगों को संभालने के लिए। तो दूसरा पॉइंट आपको बताता हूँ कि भाई मेरा अपना मानना है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत से लोगों ने कमेंट की बाल उसके मतलब खींचे जा रहे हैं और अपने अपने तर्क सबने कमेंट में रखे, मैंने वो वीडियो काफ़ी अच्छे से देखा और कमेंट भी लोगों के पढ़े, बहुत से लोग बता रहे हैं भाई भूत ऐसा कर रहा है, जिन्नात ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है, कोई एनर्जी है, नेगेटिविटी नेगेटिव एनर्जी है, तो ऐसा अगर हो भी रहा है तो मेरे हिसाब से, कुछ लोगों ने कहा भाई कैमरा लगा दो वहाँ पर, और ये एक अच्छी बात है कि एक जिसने भी ये सुझाव दिए मुझे अच्छा पॉइंट लगा कि कैमरा उस रूम में लगा दो जहाँ वो बच्ची टहल रही है या कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रही है, अपनी दिनचर्या गुजार रही है जिस कमरे में, तो वहाँ पर कैमरे लगा देना एक अच्छी बात है, ये शायद समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है, और लेकिन कहीं ना कहीं कैमरे नहीं भी लगाना उचित होता है, तो बाकी मैं अपना पॉइंट रखता हूँ। देखिए भाई उसके माता पिता से मैं निवेदन करूँगा कि उसके बाल अगर झर रहे या मतलब कि कोई खींच रहा है काट रहा है ऐसा हो रहा है तो आप परेशान ऑलरेडी हो ठीक है, और आप हर तरीके से ओझा और ये सब को दिखा चुके हो, झाड़ने वालों फूकने वालों को जिसने जहां बताया, मौलवी पंडित से लेकर के हर जगह आप जा चुके हो,
तो क्यों नहीं आप एक काम करते हो, उलझन आपको है, ये परेशान आप लोग है ही हो फैमिली वाले, भाई उस समय के लिए आप उसको उसके सर को जो है मुंडवा दीजिए, उसके बालों को बिल्कुल जो है मतलब क्लीन करा दीजिए, ऐसा मेरा मानना है कि फिर देखिए कि आगे सिचुएशन क्या होती है। मेरा मानना है कि अगर बाल ही नहीं होंगे फिर आप ये देखिए एब्जॉर्ब करने की कोशिश करिए क्या उसके सर पे कोई हमला करता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको देखिए आप, ठीक है, इसको अदर वे पे मत लीजिए। एक निवेदन है आपसे, ऐसा करेंगे तो कुछ समय बाद यार बच्ची के बाल आ जाएंगे वापस, लेकिन हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का आपको जो है कुछ सोल्यूशन मिल सके इससे, या आपको समझ में आ सके कि ऐसा कुछ क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, या वो खुद कर रही है या कोई वाकई कर रहा है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ सकती है इससे। वो भी एक पॉइंट से देखो तो उसको आराम ही मिलेगा, मतलब इसमें कुछ भी निगेटिव नहीं है, इसमें कुछ भी उसका नुकसान नहीं है, ठीक है, खूबसूरत सी बच्ची है, आगे फिर से बाल आ सकते हैं उसके, लेकिन अभी वो परेशान है, तो परेशानी के लिए हर एक कदम उठाना उचित होता है, तो ऐसा करके देखिए आप। आगे बढ़ते हैं, मेरा एक और रुझान इसमें कि मतलब मैं समझता हूँ कि ये एक प्रकार की एलर्जी भी हो सकती है, ऐसा मैंने देखा है कभी कुछ केसेस में, ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे सामने आए हैं, और जिसमें लोगों को क्या होता है, ऐसे ही छोटे बच्चे कुछ थे मोहल्ले में हमारे जहाँ मैं रहता, तो आसपास ऐसा कुछ होता वहाँ पर कभी कभी कि एक बच्चे के साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही थी, तो उसको ऐसा फील हो रहा था कि मतलब उसके ऊपर कोई हमला कर रहा, बालों को जो है खींच रहा बार बार, ऐसा कुछ। तो दरअसल उसे क्या था, उसे एक एलर्जी थी जिसे जो वो फील नहीं कर पाता था, उसे ऐसा लगता था कि यार मेरे बालों को किसी ने खींचा नोचा, ठीक है, काट दिया, ऐसा कुछ। तो ये एक हो सकती है, ऐसा मैं हो सकता लगा रहा हूँ, ठीक है, इसको बार बार बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा क्लियर होकर के मेरे को सुना करिए और उसके बाद अपना जो है टिप्पणी किया कीजिए, जो भी करते हो, फिलहाल उसके लिए कोई रोक नहीं, स्वागत फिर भी करता हूँ आप सभी का। तो ये एक एलर्जी भी हो सकती है, तो कंसल्ट करिए एक अच्छे से डॉक्टर से, ठीक है, जो बालों के स्किन के या सर की स्किन के अच्छे से डॉक्टर कोई हो उनसे कंसल्ट करिए, और माता पिता उनके कह रहे हैं मैं डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता। किसी डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? फिर डॉक्टर वाली कोई बात ही समझ नहीं आ रही। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, आप जाइए डॉक्टर, हर तरह से परामर्श लेनी चाहिए, आप दूसरी तरफ जा चुके हो, आप एक बार मेडिकल साइंस में भी जाइए, ये मेरा निवेदन है आपसे। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये देखिए सागर भाई सवाल कर रहे हैं उस बच्ची से, और मीटर पे भी जो है अपने कुछ पूछ रहे हैं, ईएमएफ मीटर पे जो है मतलब जैसा कि वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वहाँ कोई और एनर्जी वगैरह तो नहीं है, तो आप एनर्जी वो सागर भाई का ऑब्जर्वेशन देखिए और मतलब इन्वेस्टिगेशन देखिए और इस बच्ची की हरकत देखिए, मतलब एक्टिविटीज देखिए, आप गौर करिए इस पर, मैं पूरा ये चला रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर कि इस पे आप देखिए, गौर करिए इस बच्ची को, सागर को मत देखिए दो मिनट के लिए, सागर का काम चल रहा है, जो भी चल रहा है बढ़िया चल रहा है, इस बच्ची की तरफ देखिए कितना कॉन्फिडेंट लेवल है इसके पास, और इसके हाथों की तरफ देखिए क्या कर रही है, इसकी एक्टिविटीज देखिए, ये ऐसा कुछ कर रही है ऐसे ऐसे, और मतलब इसका मतलब क्या समझते हैं आप लोग, मतलब इसका सीधा सा होता भाई, उसको तलब लगी हुई है, उत्सुक है वो कुछ करने के लिए, ठीक है, और हाथों को देखिए आप ऐसे ऐसे चला रही है, ऐसे ये कुछ सिम्टम्स होते हैं कुछ चीजों के जिनमें लोगों को मतलब अंदर इतनी ज्यादा टीस होती है, इतनी वो होती है कि वो अपनी उलझन को बयान करने के लिए जो है हाथों को इस तरह से चलाते हैं, और हो सकता है वो अपना हाथ ना ले जा पा रही हो वहां पर, या कुछ कर ना पा रही हो, अपने को झंझोर ना पा रही हो, मार ना पा रही हो, या ऐसे केसेस होते हैं मेडिकल साइंस में, कुछ चीजें हैं भाई, मेरे को नाम नहीं मालूम इन बीमारियों का, लेकिन होता है ऐसा मैंने देखा, तो हाथों को देखिए आप, वो कुछ कर रही है और मतलब उसके उंगलियां चल रही है, यानी कि तलब लगी है, हम लोग ऐसे बैठेंगे चुपचाप बैठेंगे, ठीक है ना, तो ये एक पॉइंट है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, मैं तो यही चाहूंगा कि डॉक्टर के पास जो भी आप सलाह मशवरा करें लोगों से आपस में फैमिली में, और अच्छे से डॉक्टर को दिखाई, भाई यही चीज है। उसके बाद आपको बताना चाहूंगा ऐसी चीजें भी होती हैं यार कि कभी कभी बच्चों को लगने लगता है कि मेरे को, वो बड़ी बेटी है ठीक है ना आपकी, और हो सकता है कि इतना ज्यादा माता पिता का अटेंशन उसको ना मिल पा रहा हो, या उसको ऐसा फील होने लगा हो कि मतलब मेरे ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या ऐसा कुछ होता है सिस्टम, तो इन चीजों को भाई माता पिता आप लोग जो है, निवेदन करता हूं मैं कि उसको थोड़ा सा प्यार की जरूरत है शायद,
आप कुछ दिन प्यार प्यार से ट्रीट आ करके देखिए, मतलब आप करते हो प्यार, लेकिन और ज्यादा एक्स्ट्रा प्यार देने की कोशिश करिए, फिर देखिए क्या रिजल्ट आता है। जो मेरा मानना सबसे ज्यादा इस केस में है वो प्रेम का है, वो छोटी सी बच्ची है। और आपको बता दूं, फिजिकल हानि कभी भी कोई जिन्नात हो, भूत हो, ये वो अपनी एक्टिविटीज दिखाते हैं, ठीक है ना, पर इस तरह से बालों को खींचना मैं नहीं समझता कोई भूत चुड़ैल आपके बालों को खींच सकता है या जिन्नात खींचेगा ऐसा कुछ। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें घरों में ये चीजें होती हैं कि यार चीजें अपने आप गिर जाती हैं, ठीक है, और ऐसा कुछ होता रहता है कुछ, लेकिन पर्टिकुलर एक शरीर के बालों को खींचना ऐसा नहीं होता है। दिन में ये हो रहा है उसके साथ, तो इसको जो है मतलब समझने की जरूरत है थोड़ी सी। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पर 23.25 की जो टाइमिंग है, भाई मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से भी, कुछ लोग ऐसे हैं फालतू के कमेंट दे रहे हैं इस वीडियो में कि वो हूँ हाँ की आवाज आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो हूँ हाँ की आवाज जो है वो यूटेंसिल यानी कि बर्तन वगैरह जब वो धो रहे हैं कोई वहाँ पर परिवार में, तो उनकी वजह से कुछ आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ कोई भूत है, प्रेत है या हूँ हाँ की आवाज आ रही तो उसने कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद 23.50 पर जो है ये गौर करने वाला पॉइंट है। पहले मैंने इस चीज़ को समझा था, मेरे को ऐसा लगा यार क्या ऐसा कुछ है क्या, मैंने भी सोच लिया था शायद यहाँ पर सिस्टम गड़बड़ है। फिर मैंने थोड़ा सा बारीक से देखा उसको, तो वो एक हवा का झोंका है और शायद वो बच्ची के बगल में कुछ लोग बता रहे हैं कि मतलब उसके साइड में एक कुछ वाइट टाइप का जो है गोल गोल अचानक से मूव कर रहा है और थोड़ी देर के लिए करता है, थोड़े से पल के लिए, और उसके बाद शांत हो जाता है। तो वो भाई एक हवा का झोंका आया है अचानक से, क्योंकि उस पॉइंट पर आप एक गौर करना, उस चीज को तो देखना साथ में पूरे रूम को देखना, ऊपर भी देखना, तो आपको कुछ चीजें और भी हिलती उसी समय पर, कुछ और भी चीजें हिलती जुलती नजर आएंगी। तो वो कोई भूत नहीं है, वो एनर्जी नहीं है कोई भी किसी प्रकार की, वो एक वहां पर प्लास्टिक पड़ी हुई है, शायद कोई पन्नी टाइप की ऐसा कुछ पड़ा हुआ है जो हवा का झोंका एकदम से आया और वो मूव कर गया। तो ये कुछ पॉइंट हैं। और आपको बता दें कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब कई बीमारियाँ होती हैं, साइकेट्रिस्ट के पास भी जाना चाहिए, एलियन हैंड सिंड्रोम टाइप का होता है, एलोपीसिया होता है, और इसमें जो है काउंसलिंग थेरेपी वगैरह भी चलाई जाती है, मेलिंग्रीन वगैरह इन मेडिकल साइंस, ये सब के पास भी जो है उसको ले करके जाइए आप। मेरा निवेदन है माता पिता से कि सब कुछ उधर ही नहीं होता, कभी कभी इधर भी होता है, हर चीज़ का जवाब सिर्फ ओझा और पंडितों के पास नहीं होता है। कभी कभी हमारे हम लोग बेवकूफ़ी कर जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते और कहीं और ले जाते हैं, जिसकी वजह से केसेस और बिगड़ जाते हैं। तो नहीं, वहाँ पे भी आप जाइए, अगर डॉक्टर से डॉक्टर को भी देखते जाइए, उधर भी जाइए, जिससे रिजल्ट मिल जाए, बच्ची को आराम मिलना चाहिए, मेन मुद्दा ये है भाई। तो ऐसा कुछ मेरे को जो लगा वो मैंने अपने तर्क आपके पास रखे, और ये कोई एनालिसिस मेरा किसी के पर्टिकुलर वीडियो पर नहीं था। यहाँ पर मैं किसी के वीडियो में कोई कमियाँ निकालने नहीं आया भाई, और उस बच्ची का सवाल था, और उनके माता पिता से निवेदन करता हूँ मैं बार बार कि उस बच्ची को जो है आप हर तरह से जो है प्रेम दीजिए, प्यार से ट्रीट करिए उसको, एक बार उसको फ्रीडम देके देखिए क्या करना चाहती है वो, और क्या उस वो हो सकता है अगर वो पढ़ाई स्टडी नहीं कर पा रही है या अगर आप कराना चाह रहे हो तो उसको एक बार फ्रीडम दीजिए, बोल दीजिए उससे कि बेटा नहीं पढ़ पा रही, ठीक है थोड़ी मत पढ़ तू इस समय, ठीक है थोड़े दिन खेल लेने दो उसको आराम से, फिर पढ़ाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। या वो कोई काम नहीं करना चाहती है और उस काम में अगर आप उसको फोर्स कर रहे हो या नहीं भी फोर्स कर रहे हो, आपने कह भी दिया, कभी कभी ऐसा होता है बच्चा जब अपने मन में ये चीज पाल लेता है और घर कर जाती है उसके अंदर, तो फिर आप अगर प्यार से भी उससे बोलोगे कि बेटा एक गिलास पानी ले आओ, तो वो उसके लिए आप दुश्मन हो जाते हो, ठीक है ना, क्योंकि कुछ हल्के 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 पॉइंटों से जो यानी कि हल्की चिंगारियों से उसके अंदर एक आग लग चुकी है, तो वो आग अब जो है दधक सी जाती है,
जब भी कोई उसके सामने इस तरीके से कोई भी काम हल्का बता दे या कुछ भी कह दे उससे, कोई अच्छा भी कहोगे आप, तब भी ऐसी सिचुएशंस में उस लोग उस व्यक्ति को बुरा लगता है। तो ये एक मैंने जो है छोटा सा अपना तर्क रखा है जो मैं महसूस करता हूँ। बाकी आप लोग सर्वोपरि हो, आप लोग ज़्यादा अच्छा समझ सकते हो, अपने अपने कमेंट नीचे दे सकते हो इस मामले में कि क्या है क्या नहीं है। और हाँ, मैं आखिरी में आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये एक सराहनीय कदम है और इसके पीछे मैं नहीं समझता हूँ कि किसी टाइप का जो है कोई, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि यार ये सब व्यू के लिए किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना वो व्यू के लिए गए हैं वहाँ पर, वो चलता रहता है, वो अपना उनके जो हॉन्टेड वीडियोज़ हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन ये एक सराहनीय कदम है। तो कोई भी आदमी अगर, या तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि यार सब लोग जो है उसके लिए मतलब दुआएं और प्रार्थना करें और अपने अपने मशवरे जरूर उसके कमेंट पर जरूर करें, जो भी अच्छे बुरे जो भी कमेंट्स आप कर सकते हो मतलब जरूर करें। तर्क अगर निकाल सकते हैं आप, कुछ सलूशन है आपके पास तो जरूर बताइए, हो सकता है उस बच्ची को कहीं ना कहीं कोई लाभ हो सके। एक पॉइंट भाई, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि देखिए, मैं यहाँ ज़बरदस्ती ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि यार ये मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ ही मामला हो सकता है, हो सकता है कि ये मतलब बाहरी कोई शक्ति की भी वजह से भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें भाई होती हैं ना, एनर्जीज तो दोनों तरह की होती हैं, अगर ईश्वर है तो शैतान भी कहीं ना कहीं है, तो ये दोनों ही एग्जिस्ट हैं यहाँ पर। तो मेडिकल साइंस में भी आप कराइए, उधर भी देखते जाइए। और मैंने कुछ केसेस में ऐसा देखा है कि कभी कभी कहीं पर कोई एनर्जी होती घरों में, या पुराने घर होते हैं, हमने कोई घर खरीद लिया या किसी पर्टिकुलर ज़मीन पर घर बना लिया और वहाँ पर ऑलरेडी कोई एनर्जी एग्जिस्ट कर रही थी, घर का कोई भी एक सदस्य अगर उस जहाँ पर वो एनर्जी एग्जिस्ट कर रही, जरूरी नहीं वो रूम पे भी कर सकती है, एक आंगन में कर सकती है, जीने के पास कर सकती है और बाथरूम के पास कर सकती है, कहीं भी कर सकती है, वो एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है। और घर का कोई एक सदस्य जा करके अगर, उसे नहीं मालूम है क्योंकि उसने नया घर खरीदा या जमीन पर घर बनवाया है, जो भी किया है, भले वो 50 साल पुराना घर हो, तो अगर उस पर्टिकुलर जगह पर जा करके वो बाथरूम कर देता है, पेशाब कर देता है, यूरिन जो है करता है, तो वो उसके ऊपर जो है मतलब वो शक्ति असर दिखाती है, वो एनर्जी असर दिखाती है और किसी ना किसी रूप में उसको परेशान करती है, ऐसा मेरा मतलब हमने अभी तक इस तरीके के केसेस सुने हैं, जाने हैं। और आप लोग क्या कहते हो इसमें, ये आप लोग बता सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपको फिर से बोल दूं, मैं जो भी बोल रहा हूं उसको आप बिल्कुल मतलब सर्टिफिकेट मत माना करो हर चीज़ का कि यार इस बंदे ने बोल दिया यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो भी मैं बोलता हूं, और गलत बोलूं तो आप वो बताइए, सही बोलूं तो आप वो बताइए, और बल्कि मैं तो कहता हूँ बताने की क्या ज़रूरत है, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुन लीजिए, निगलेक्ट कर दीजिए अगर आपको नहीं भी समझ में आती मेरी बात, और समझ में आती तो मैं तो भाई निवेदन कर रहा हूँ उस बच्ची को आराम मिलने के लिए। तो बस, और एक चीज़ और, क्या मेरा अपना मानना है, क्या इस तरीके के केसेस में ऐसा भी कुछ होता है, क्या कभी माता पिता से पूछिए या आप जानने की कोशिश कीजिए सागर भाई, कि क्या कभी उनके माता पिता ने कोई किसी प्रकार की मतलब होती है ना जिज्ञासा लोगों के अंदर कि यार हम ऐसी मन्नत मांगेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो क्या बालों को लेकर के उसके कोई मन्नत वगैरह तो नहीं मांग रखी है कि ऐसा हो रहा है, या देखिए कभी कभी होता है ना, हम लोग भगवान से प्रार्थना भी करते हैं और उनसे हमको मतलब जब कभी हम लोग जाते हैं मंदिर वगैरह के, हम लोग कहते हैं यार ऐसा हो जाएगा ईश्वर ऐसा कर दो तो मैं दोबारा जरूर आऊँगा आपके मंदिर, या इतने इतना ये चढ़ाऊंगा, फलाना इतना करूंगा, ये करूंगा, तो इस तरह से कोई मन्नत नहीं मांग रखी बचपन में उसके, मांगी हो छोटी हो वो या नहीं हो, जब होने के लिए मांगी हो जो भी हो, या घर के किसी और पर्टिकुलर सदस्य के लिए या कुछ और चीज़ों के लिए मन्नत कोई मांग रखी हो, तो ज़रूरी नहीं कि यार शैतान ही हमको इस तरीके से चोट पहुँचाए, कभी कभी ईश्वर जो है होते हैं वो भी, हो सकता है हमको इशारा दे रहे हो कि भाई आपकी ये मन्नत जो है आपने मतलब पूरी होने के बावजूद भी आप हमारे मंदिर में आप नहीं आए, हम तक नहीं आए, दर्शन आपने नहीं मतलब किए, तो ऐसा कुछ। बस बाकी कुछ इसमें विशेष नहीं कहूँगा, क्योंकि किसी के जो है पर्टिकुलर घर का मामला है ये, और
मेरा अपना तर्क था जो जो मैंने कोशिश की, एक जो भी पॉइंट थे वो मैंने कोशिश की शायद कुछ हल निकल सके। और भाई हल निकलने के लिए ही ये वीडियो को बनाया है। इस वीडियो में पर्टिकुलर किसी की कोई कमी नहीं बता रहा हूँ, और ये एनालिसिस बस इतना ही। तो बस होप टू सी यू अगेन सो लॉन्ग विद अनदर कंटेंट। नंदन वाजपेयी।